अपना संविधान बनाएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। संविधान दिवस के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की घोषणा के बाद पूरा भारत आज संविधान दिवस मना रहा है। आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में हम लोगों ने अभी श्रद्धांजलि अर्पित किया है, जिनके कारण से आज का यह दिवस हम लोग देख पा रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको भी मैं नमन करता हूं, महात्मा गांधी जी को और हमारे जितने भी ऐसे उस समय के वरिष्ठ जन रहे जिनके कारण से भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मित्रों। और कितना सुंदर लगता है आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारे संविधान की मूल कॉपी को आप सबके लिए अवलोकन की दृष्टि से उन्होंने तीन तीन जो सुबह सुबह प्रातःकाल जिसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबके लिए उपलब्ध कराया है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी का, जिनके कारण से भी हम लोगों को अब संविधान की डिजिटल कॉपी हर जगह उपलब्ध मिलेगी। और उसमें जब मैं देख रहा था कि हमारी जो पहली प्रति थी, जो मूल कॉपी है संविधान की, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो 22 भागों में जो विभाजित है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों का जो संविधान विशालकाय बना, उसका जो पहला सबसे अशोक की लाट का चित्र हम देखते हैं, दूसरा चित्र उसमें हम लोग भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के साथ पुष्पक पर विराजमान होकर के लंका से विजय प्राप्त करके वापसी का चित्र देखते हैं, और तीसरा चित्र हम लोग भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश देते हुए देखते हैं, चौथा चित्र हम लोग देखते हैं कि देवपुरी से गंगा का अवतरण कैसा हो रहा है, हम लोग महात्मा गांधी का चित्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र, महात्मा बुद्ध का चित्र, महावीर स्वामी का चित्र, और इन सब चित्रों के साथ साथ हम सब लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि उसका पूरे भारत का दिग्दर्शन उसमें देखने को मिलता है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा हम लोगों को प्राप्त होती है। आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको शुभकामना और बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद हम लोगों के बड़े भाई महेंद्र सिंह जी, जिला विभाग के प्रभारी, कैबिनेट मंत्री, 6-6 विभाग के, सिंचाई विभाग के, जिनके नेतृत्व में प्रयागराज लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सब लोगों के साथ आज प्रयागराज 70 सालों में जितना नई विकास हुआ उतना इस समय इस पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अब जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।